आइए और जानकारी लेते हैं कि लोक मत नेशनल पार्टी का क्या उद्देश्य है और ये किन उद्देश्यों से ये पार्टी बनाई गई है, क्योंकि हर एक पार्टियाँ दावे करती हैं। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी आज शासन में है, उन्होंने भी कहा था कि सबका विकास सबका साथ करेंगे, लेकिन आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। अभी नई पार्टी का गठन हुआ है, बहुत जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हम बहुत सभी राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर काम करें, कि युवा साथी हैं इसी पार्टी के। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं, इनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। सर आपका नाम? मेरा नाम अकरम ताव है और मैं नेशनल लोकमत पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और सिपाही हूँ। इस पार्टी का उद्देश्य देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है। जब ये हिंदुस्तान का कानून हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान तो है ही नहीं ना, इसका नाम तो भारत है। तो आप एक तरफ पार्टी चलाने की बात करते हैं और एक तरफ संविधान की बात करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे मीडिया बंधु जी, मैं अब बात बहस में नहीं जाना चाहता, मैं आप ही की बात से सहमत हूँ। चलिए, जब इस भारत का संविधान हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर लिख रहे थे, तब उन्होंने इस देश में रह रहे सभी इंसानों को अपने अपने धर्म पर रहते हुए, ज़िंदगी बिताते हुए, इस भारत को आगे ले जाने के लिए एक जो संविधान बनाया था, उसी संविधान को नेशनल लोकमत पार्टी अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से उसको फॉलो करने का काम करेगी। धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने का काम करेगी इंशाल्लाह। जी तो सर, वो उद्देश्य क्या है पार्टी के? उद्देश्य यही है सर, शॉर्टकट बताऊं आपको, उद्देश्य तो इतने हैं कि शायद 20 पन्नों का एक पूरा मैटर तैयार हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, जियो और जीने दो। जो आप खा रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो मैं खा रहा हूँ तो उससे भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए। देखना ये चाहिए कि अकरम की कोई एक्टिविटी देश के ख़िलाफ़ तो नहीं है, देखना ये चाहिए क्या विक्रम की एक्टिविटी कोई देश के ख़िलाफ़ तो नहीं है। अगर अकरम और विक्रम की एक्टिविटी देश के हित में है तो वो क्या खा रहा है मुझे उस पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। अब विक्रम क्या खा रहा है उस पर अकरम को भी नज़र नहीं रखनी चाहिए। जियो और जीने दो, सबका साथ सबका विकास, यही एकमात्र काव्य है जो कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कहने का काम करती है कि सबका साथ सबका विकास। वो एक झूठी पार्टी है, झूठे जुमलाबाज लोगों की पार्टी है। मुझे शर्म आती है इतने बड़े पद पर बैठने के बाद, एक तो कहते हैं कि जो अल्फाज राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, जैसे माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि वाणी उसको समझा जाए पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जबान से निकला हो, और उसी वाणी को की काट करते हुए अमित शाह जी कहते हैं कि वो जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था वो तो एक जुमला था, और उसी जुमले को नरेंद्र मोदी जी गीता की वाणी करके बयान करते हैं कि 15 लाख रुपए आएगा आपके अकाउंट में। बताइए तो ये क्या है? ये सबका साथ सबका विकास है? मैं समझता हूँ ये सबका साथ उनका विकास, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का विकास, श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास, और अडानी और अंबानी जी का विकास, और जितने भी घोटाला खोर चारा खोर जितने भी हैं उन सबका विकास है, गरीब जनता का कोई विकास नहीं है। नैलोपा का उद्देश्य यही है, मेहनत करके खाएंगे। नेशनल लोकमत पार्टी का उद्देश्य यही है, मेहनत करके खाएंगे और अपनी नैलोपा को चलाएंगे, वतन खुशहाल बनाएंगे और वतन को, भारत को अपने खुशहाल बनाएंगे। सर आजकल ये रोहिंगा मुसलमानों को लेके कभी एफिडेविट देते हैं, कभी अल्फनामा देते हैं, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो आपने मुसलमान कहा, आपने हर पार्टी को, भारत सरकार में मौजूद पार्टी हो चाहे यूपी सरकार में मौजूद पार्टी हो या देश के जितने भी 29 राज्य हैं, सभी ने मुसलमानों को लेके आपने मतलब एक अपना काम किया, भाषण दिए, कुछ भी किए, लेकिन हमारे ये नेशनल लोकमत पार्टी का एक छोटा सा आप पंप्लेंट्स देख सकते हैं, इसके अंदर कहीं पर भी आपको मुसलमान शब्द नहीं मिलेगा। इसके अंदर मानवता के कत्ल के खिलाफ आवाज़ मिलेगी और इसके अंदर मानवता की हिमायत में आवाज़ मिलेगी, जिसमें हम नेशनल लोकमत पार्टी करनी और कथनी में बिल्कुल फ़र्क नहीं करते हैं। ये तथ्य हमने आपको सबूत के तौर पर दिखाया है, जिसका ये प्रमाण है। धन्यवाद।